वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं स्क्वायर के बहुत शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। और अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको बुरी लगती है, आपको वीडियो नहीं देखनी होती है, तो आप दोस्तों से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, तो शॉर्ट ट्रिक देखना आपको शायद अच्छी लगे। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 1 से 100 तक के स्क्वायर्स आप आराम से याद कर सकते हैं, आसानी से बहुत ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर तो भाई याद रखने होंगे, क्योंकि तो हम बचपन से ही 10 तक के स्क्वायर हम याद करते हुए आते हैं और 10 तक के टेबल भी याद करते होते हैं, तो फिर ये ट्रिक आपको बहुत ईजी लगेगी। फ्रेंड्स, ट्रिक जो है बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए, आप जैसे 25 का स्क्वायर है, मुझे तो याद है 625, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लीजिए भाई। जैसे 25 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो इस वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, फिर इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0, 4, 2, 2, 2, 4। अब इसके बाद भाई 5 की 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 की मल्टीप्लाई 2 में, देखिए 2 5 जा 10 और 10 5 10 2 जा 20, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। अब बस आपको ये याद रखना है कि इसको एक अंक छोड़ के लिखना है, ठीक है भाई। इन तीनों के हमने मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 5 2 इन्हें ऐड कर देना है, 5 2 और ये 6 आ गया, नहीं आ गया 625। आप किसी का भी स्क्वायर इस तरीके से आप कर सकते हैं, 100 ईयर से ऊपर का भी आप कर सकते हैं। देखिए, आप थोड़ा बहुत एक देखिए 26 का स्क्वायर करते हैं, 26 का स्क्वायर होता है देखिए 676, 26 का स्क्वायर 676, क्योंकि आप करके भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो होता है 26 मल्टीप्लाई 26, तो 6 6 36 और 3 कैरी 6 2 12 और 3 15 और 26 2 52, तो 676 ये आ गया। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखिए भाई, मैंने आपको ये बताया पहले इस वाले का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई 6 दुनी 12 12 दुनी 24, देखिए यहाँ पर फिर इन्हें ऐड कर देंगे 6 और ये कितना होगा 7 और ये 6 कैसी, तो देखिए आप कितना अच्छा, कितनी हम सेकंडों में इस ट्रिक का हम यूज कर सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ तो घोर अभ्यास मांगता है, क्योंकि अगर आपको मैथ पढ़ने हैं और शॉर्ट ट्रिक वगैरह को सीखनी है तो इनकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए भाई, जैसे हम ले लेते हैं 36 का स्क्वायर, मेरे को तो पता है इसका स्क्वायर ये होता है, चाहे आप करके देख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 36, नहीं है भाई इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए इसमें टाइम कितना लग रहा है, और देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 आ जाएगा, 3 3 3 से 9 और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 3 18 2 36, 6 3 और 12 36 36 आएगा ना, ये देखिए। तो आपको शॉर्ट ट्रिक देखिए कितनी इजी कंसेप्ट से हम कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक का बहुत ज्यादा यूज होता है, फायदा होता है। और किसी का भी स्क्वायर निकाल लीजिए, देखिए जैसे मैं निकालता हूँ, मुझे नहीं पता 79 का स्क्वायर हमें नहीं पता, ठीक है, तो देखिए पहले 9 का स्क्वायर करेंगे भाई, 9 का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर मैंने बताया 9 का स्क्वायर 81, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी करेंगे तो 63 2 जा 63 2 जा 126, तो 1 आ जाएगा और ये 8 6 14 हो जाएगा, और ये 9 2 11 अरे 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, 9 2 11 8 12 अरे इसके ऊपर हासिल आ जाएगा, तो 5 अरे 6, तो देखिए हमारी ये आ गया। हम 79 कैसे करके देख लेते हैं हमारा सही आंसर आया है नहीं आया,
धोनी 81 8 कैरी, आठ निम वो 263 और 63 प्रसाद 63 और 8 गेतर प्रसाद निम 63 6 कैरी लेंगे। अब देख लीजिए 7 7 49 59 55 तो 1 और ये 4 और 7 और 5 12 एक पास है 6। तो देखिए भैया आ गया नहीं आ गया। तो दोस्तों आप बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो देखिए शॉर्ट ट्रिक भाई बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली, क्योंकि इससे हम आसानी से आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े डिजिट पर निकाल के आपको मैंने दिखा दिया, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर मतलब 1 से 100 तक का आप आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर बताना जरूर आपको ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि ट्रिक बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके लिए क्योंकि इसके बाद में आपके लिए रोज ही नई ट्रिक लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।